तो पानीपत में भी बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने परिवार के साथ गिरफ्तारी दी। उनका कहना है कि सरकार चाहे तो हमारी नौकरी बचा सकती है, पर वो खामोश है। जेल भरो आंदोलन के तहत 70 लोगों ने गिरफ्तारी दी। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई ने 61वें दिन परिवार सहित गिरफ्तारियां दी। इसके लिए पुलिस भी तैयार थी, क्योंकि धरना दे रहे पीटीआई 60 दिन से मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर थे। रक्षाबंधन के दिन इन्होंने काली पट्टियां बांधी थी, कभी हार पहने कभी नारेबाजी। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने तब भी कुछ नहीं सुना, तो अब स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले परिवारों के साथ गिरफ्तारियां दी। लास्ट में ये करना पड़ा कि जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि इनके पास और कोई जगह ही नहीं रही। ये कहते हैं कि हमें सब जेल में ले जाओ, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई साधन नहीं है, फिर भी सरकार नहीं मान रही। कल भी मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें भी हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया कि ये पीटीआई मास्टर तो सिर्फ सरकार ने नहीं, ये कोर्ट में निकाले हुए हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जेल भरो आंदोलन है और ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ना उनको सुनाई दे रहा ना उनको दिखाई दे रहा कि 2 महीने से हम रोड पे बैठे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं। और आज सर मेरा जन्मदिन है, मेरी बेटी और बेटा दोनों बार बार ये कह रहे हैं, मम्मी आज भी आप जा रहे हो बर्थडे वाले दिन, हमारे लिए खाने का क्या लाओगे। दरअसल गिरफ्तार करके पुलिस कहाँ ले जाती, कहाँ ठहराती, क्या खिलाती। यहाँ से बसों में भरा और 100 गज जाकर दूसरी तरफ उतार दिया। लो, गिरफ्तारी और रिहाई साथ साथ, ये भी खुश वो भी खुश। कैमरे वाले तब तक फोटो खींच चुके थे। आज लगभग 70 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। क्या अमाउंट था ये पीटीआई जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जिनको बर्खास्त किया गया है, उनके परिवार वालों की तरफ से और उनकी तरफ से आज ये अपनी गिरफ्तारी के लिए आंदोलन। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भर्ती हुए 1983 पीटीआई को नौकरी से हटाकर इनकी जगह नई भर्ती करने का आदेश दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भर्ती के वक्त मापदंड बदलकर इनकी गलत तरीके से भर्ती हुई है। अब प्रदेश सरकार इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर चुप्पी साधे हुए है। इधर विपक्ष कांग्रेस और इनेलो पीटीआई को समर्थन देकर इनके लिए विधानसभा में बिल लाने की हामी भर रहे हैं। उनकी सरकार आएगी तब, यानी गतिरोध बना हुआ है। मतलब अभी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगा रहेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।